इनका डांस भी चालू हो चुका है और इनकी जैसी थाप चालू हुई तो वो इनका नृत्य जो है अंदर से निकल के आ रहा है, कितना खूबसूरत है, वाओ। ये देखिए आप, आप देख रहे हैं जनित आवाज। आज जो मैं यहाँ मौजूद हूँ ये है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। यहाँ पर जो आदिवासियों का विश्व दर्शन जो महोत्सव है वो मनाया जा रहा है और यहाँ पर आप सारी आदिवासी पोशाक में जो महिलाएं देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं, ये इनकी पोशाक कितनी खूबसूरत है, लेकिन अगर आप इनकी स्थिति और जीवन शैली की बात करें तो उतनी ही कठिन है। तो अभी हमारे साथ बहुत बुजुर्ग भी महिलाएं हैं। क्या नाम है मैम? सिलवंती तिर्की। हिंदी जानती हैं आप? हाँ। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप लोग? आया नगर से। आया नगर से आए हैं। तो ये पोशाक बड़ी सुंदर लग रही है आपकी, इतना खूबसूरत पहना है, तो ये आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है? धन्यवाद। आजादी का महोत्सव मना रहे हैं? हाँ। अच्छा, इससे पहले भी आजादी हमारे देश में, पहले भी हमारे लोगों ने आजादी दिलाई हम लोगों को, तो आज जो है आप इतनी खूबसूरत बनी हुई हैं सारे, तो कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आप लोगों ने वहाँ परफॉर्मेंस दी इतनी खूबसूरत, तो क्या कुछ रहता है आप थोड़ा सा बताएं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम करुणा मिंज है। हम लोग आया नगर से हैं और आज हमारा इंटरनेशनल आदिवासी दिवस है। आज हम लोग बहुत खुश हैं। आज हमारे पूरे भारत देश में हम लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं और हर एक स्टेट से आदिवासी जो भी हैं यहाँ पर आते हैं और हम लोग, हमें बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। बहुत ही, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। लोग जो है, जय जोहार। जय जोहार। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इनकी पोशाकें हैं। अच्छा, हमारी जो अब जो राष्ट्रपति बनी है वो भी आदिवासी है, द्रौपदी मुर्मू जी, तो उसी वजह से ये इतनी सुंदर पोशाकों में आप दिख रहे हैं या पहले भी आप? नहीं, हमारा पहले से आदिवासी जो इंटरनेशनल जो आदिवासी दिवस है पहले से मनाया जाता है और हम लोग आज बहुत खुश हैं। जो हमारी आदिवासी पहला जो महिला है वो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति घोषित की है, उन्होंने अपना वोट जीता है, तो हम लोग बहुत खुश हैं और उसका वेलकम के लिए भी हम लोग गए थे इसी ड्रेस में और इसी उमंग के साथ और इसी उत्साह के साथ हम लोग उसका वेलकम किए हैं। अच्छा, ये अभी सामने आप देख सकते हैं कितना ये बड़ा सा है, क्या बोलते हैं इसे? नगाड़ा बोला जाता है। ये आप ये बजाते हैं, इतना भारी सा लग रहा है ये, कुछ है ना? ये हमारा कल्चर बाजा है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये नगाड़ा है जिसकी धुन पर ये लोग नाचते हैं और गाते हैं। आपने इनके जो सॉन्ग सुना होगा, जो इनका पारंपरिक सॉन्ग भी है, जो किस भाषा में होता है वो? हमारी पारंपरिक भाषा अलग अलग है। उराव वाले बोलते हैं कुड़ुख, उसके बाद में जो सादरी बात करता है वो एक अलग कोलोकियल लैंग्वेज ही है बोलो, उसके बाद में खड़िया वो अपनी उनके अलग भाषा है, मुंडारी उनकी अलग भाषा है, तो उस एरिया में जितने भी जो लोग बसते हैं वो अलग अलग अपने हिसाब से बोली बोलते हैं। आज आज़ादी का महोत्सव मनाते हुए दिख रहे हैं आप लोग, बहुत खुश दिख रहे हैं। बहुत खुश है। तभी आपने अपनी जी जान से परफॉर्मेंस भी दी। हाँ, क्या नाम है आपका? हेलेना बक्सला। आगे आके बताइए। किसी से कम नहीं। आदिवासी महिला वाकई में किसी से कम नहीं है। जितनी आपकी परिस्थितियाँ, जिस तरीके से आप इतना मेहनत मशक्कत करती है, वाकई में कोई नहीं कर सकता है। अगर हम शहर की महिलाओं की बात करें तो वाकई में इनसे ज़्यादा मेहनत कश कोई नहीं है। तो जिस तरीके से आपने बताया, आपकी थोड़ी सी मेरे को अपना ये बताइए कि जीवन शैली कैसी रहती है आप लोगों की गाँव वगैरह में? आप लोग आदिवासी से संबंधित है? मेरा नाम अंजिता तिग्गा है। मैं आया नगर से हूँ, दिल्ली से। हमारे पूर्वज तो अभी झारखंड में वहाँ से हैं, लेकिन अभी हमारे आया नगर में हमारा निवास है।
हमारे आदिवासियों का जो जीवन शैली है उसके बारे में अगर पूछ रहे हैं तो ये आदिवासी लोग प्रायः ये झाड़ जंगल यही से में रहते हैं, लेकिन अभी जीवन जंगल जी, लेकिन अभी ये शिक्षित हो गए हैं, शहरों की ओर आ रहे हैं, लड़कों और लड़कियां बराबर काम करती हैं हमारे समाज में, यहाँ पर कोई अनदेखा नहीं किया जाता। जितना अभी के समय में लड़के और लड़कियां दोनों बराबर ही काम करती हैं हर क्षेत्र में। तो अभी आप लोग जो है आप कितना पढ़ी लिखी हैं? मैं तो एमए पास हूँ। एमए पास है, वाह। अपने बच्चों को भी आगे पढ़ाएंगी? जी अभी तो मेरे बच्चे नहीं हैं इसीलिए अभी हाँ, लेकिन पढ़ाऊंगी। लेकिन जो यहाँ पे शादीशुदा होंगी वो तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगी। जोहार, हम छत्तीसगढ़ और झारखंड से हैं। हमारा ये जो प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, हमारा ये जो डांस है, हम प्राकृतिक, जैसे हमारा भी क्या बोलेंगे, धान की खेती होती है ना, तो अभी धान की बुआई होती है, फिर वो थोड़ा सा उग जाता है, तो हमारा इसमें छत्तीसगढ़ झारखंड में कर्मा के नाम से ये त्यौहार मनाया जाता है, तो उसी के उपलक्ष्य में जो भी अभी हमने यहाँ गाया सामने वो प्राकृतिक से संबंधित है सारा। तो मतलब आप लोग मतलब पढ़े लिखे तो हैं ही, अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे, क्योंकि हम आदिवासियों को देखते हैं तो वो उनके बच्चे इतना कहाँ पढ़ पाते हैं, शहरों के जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, इतनी शिक्षा नहीं प्राप्त करते, इतनी सुविधाएं नहीं है, ऐसा है रहता है ना, सुविधाओं की भी इतनी। आज के टाइम में देखो सभी बच्चे हमारे जो आदिवासी जो बच्चे हैं सभी पढ़ाई में बहुत ही अच्छे हैं, और बोला जाए तो आजकल गांव घर में भी बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम है, बहुत अच्छे अच्छे हैं, टीचर्स हैं, अब मतलब हमारे जो कल्चर में है सभी पढ़े लिखे हैं, और यहाँ भी जो ग्रुप है यहाँ पर जितने भी हमारे जो अभी जो हमारा जो ग्रुप है ये सब के सब पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसा नहीं है, और हाँ और सभी पढ़े लिखे हैं। आप ये सामने देख सकते हैं, ये आपकी बेटी है, नानी के साथ आई है, छोटी सी बच्ची है, ये भी है, देखिए आप इनकी पोशाकों के बीच आप ये छोटी सी नन्ही सी बच्ची को भी देख सकते हैं, जिसका भविष्य और उज्जवल होने वाला है आगे, तो आप इनकी नानी हैं? हाँ जी, मैं इसकी नानी हूँ। तो सभी को जोहार, और मैं अपनी नाती को अपने कल्चर के बारे में अभी से सिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसको लेके आई थी। कितना आप सोचिए कि अभी क्या उम्र होगी इसकी? ये 1.5 साल की है। 1.5 साल की है और अभी से जो है अपने कल्चर की, ये देखिए कैसे जुड़े हुए हैं जमीनी तौर पर ये लोग। और सामने अभी मेरे ये थे, इसे क्या बोलते हैं, ये सामने दिखा दीजिए, क्या बोलते हैं इसे? मांदर बोलते हैं। मांदर, तो ये लकड़ी से बना हुआ है सारा, मिट्टी से बना हुआ है, तो सोचिए ये मिट्टी से बना हुआ है, इसकी धाप जब लगती है और जब बजता है तो उसकी थाप पर ये लोग जब नृत्य करते हैं लोग गीत के साथ, तो आप समझिए कि कितना जल जंगल जमीन बोलते हैं कि इनकी जीवन है, तो वो आप इनकी पोशाकों से पता लगा सकते हैं कितनी खूबसूरत ये सारे लग रहे हैं, कितना सुंदर नज़ारा है। आज आदिवासी जो है इंटरनेशनल डे है तो उसको खुशी से ये लोग मना रहे हैं, देखिए इनका डांस भी चालू हो चुका है, और इनकी जैसी थाप चालू हुई तो वो इनका नृत्य जो है अंदर से निकल के आ रहा है, कितना खूबसूरत है, वाओ, ये देखिए आप। जैसे ही वो थाप बजी और इनका गीत चालू हो गया और नृत्य इनका खूबसूरत चालू हो गया, तो इसी तरीके से ये आदिवासी जो कितनी खूबसूरत पोशाकों में हैं, तो इनसे इनसे मिलिए, इनसे जानिए किस तरीके से इनके लोकगीत हैं और किस तरीके से ये लोग जो हैं अपने पोशाकों में आज आदिवासी इंटरनेशनल डे मना रहे हैं, जहाँ पर आज हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, तो वहीं आज ये खुशी का महोत्सव भी दिखता हुआ मन रहा है। तो आदिवासी जो हमारी राष्ट्रपति है उनसे किसी की कुछ अपील है? अपील तो देखो, अपील तो हमें भी अभी मालूम नहीं है, लेकिन जब हमें मतलब दिल्ली में अब
जैसे कि उन्होंने वोट जीता, तो उसी तरह दिल्ली में बहुत उत्साह से लोग टूट पड़े वेलकम के लिए, और सभी जगह पर इन्विटेशन मिला कि हम लोग वेलकम के लिए आ सकते हैं। एनसीडी एमसी में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, वाईएमसी में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, उसमें भी हम लोग शामिल थे। हमें बहुत ही खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा, और पूरे दिल्लीवासी हम लोग आए थे और बाहर से भी आए थे, अलग अलग स्टेट से आए थे, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। आई एम सो हैप्पी। जय जोहार, जय झारखंड। तो आपने देखा कितना खूबसूरत नज़ारा है और कितनी खूबसूरत ये पोशाकें हैं, और उसी के साथ इन्होंने जय जोहार जब बोलते हैं तो अपने आप से ही अंदर से ये शब्द निकलने लगते हैं। तो इसी के साथ आप देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली।